हेलो गाइस, मैं हूं साइंस सैनिक। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बाय सैनिक में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, अभी मार्च महीना चल रहा है 2021 में, और जो अब आने वाला आईफोन है उसके बहुत सारे रूमर्स और लीक्स निकल के आने शुरू हो गए हैं। सो गाइस, अब जो आईफोन 13 होगा, अभी वैसे इसका नाम जो है कन्फर्म नहीं हुआ है कि आईफोन 13 होगा 14 होगा, वो सब आने वाले टाइम में कन्फर्म होगा। लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि आईफोन 13 जो लॉन्च होने वाला है उसके बहुत सारे रूमर्स निकल के आ चुके हैं, जिनमें से कुछ रूमर्स का ये कहना है कि आईफोन की जो बैटरी है इस बार वो बड़ी होने वाली है, साथ ही जो नोच है उसका साइज छोटा होने वाला है। सो गाइस, ये कुछ अपडेट्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो एक वियर्ड थिंग है आईफोन 13 के साथ होने वाली है वो है कि उसमें आपको चार्जिंग पोर्ट शायद ही देखने को मिलेगा। जी गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, आईफोन 13 में आपको शायद ही चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल सकता है। सो आज के इस वीडियो में आगे हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जो iPhone 13 है वो भी iPhone 12 के जैसे ही लाइनअप होने वाला है, और यहाँ पे आपको चार अलग अलग मॉडल्स ही देखने को मिलेंगे, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max और iPhone 13 mini। लेकिन गाइस, जो मिनी मॉडल है जो iPhone 12 का था वो फेलियर रहा था, तो उसके बाद ये लग रहा था कि iPhone अपना जो है 13 में मिनी लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन ये चीज अब कंफर्म हो गई है कि iPhone 13 में भी आपको एक मिनी मॉडल जरूर से देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे अब इन स्मार्टफोन की जो है धीरे धीरे स्पेसिफिकेशंस लीक होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो सबसे वियर्ड थिंग मुझे लगी जो लीक्स के थ्रू पता लग गया वो यही है कि आईफोन में चार्जिंग जैक नहीं होने वाला। आईफोन 13 है उसमें से चार्जिंग पोर्ट को हटाने का अंदाजा बहुत से लोग तभी से लगाने लगे थे जब बॉक्स में से चार्जर को रिमूव किया गया था, क्योंकि पहले भी ऐसे देखा गया है जब आईफोन ने अपने बॉक्स में से ईयरफोन को रिमूव किया था तो वहां पे ऑडियो जैक को भी रिमूव कर दिया गया था और साथ में ईयरबड्स को लॉन्च किया गया था। लास्ट ईयर जब बॉक्स में से चार्जर को रिमूव किया गया था उसी टाइम बहुत से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, और वो अंदाजा अब कहीं ना कहीं सही होता नजर आ रहा है। इस सबको देख के लगता है आईफोन एक टोटली वायरलेस इकोसिस्टम बिल्ड करना चाह रहा है, और अगर हम दूसरे पहलू पे नजर डालें तो आईफोन जो है अपने वायरलेस प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाना चाहता है। आईफोन ने अपने फोन से ऑडियो जैक को रिमूव किया था तब उन्होंने ईयरबड्स को लॉन्च किया था, और उस टाइम जो आईफोन के ईयरबड्स थे वो मोस्ट पॉपुलर ईयरबड्स थे और सबसे ज्यादा बिकने वाले ईयरबड्स थे। सो अब ऐसा ही जब आईफोन जो है अपने स्मार्टफोन से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव कर देगा और जो उसका वायरलेस मैगसेफ चार्जर है उसकी सेल ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। एक बात और देखी जाए कि फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होने के बावजूद भी बहुत से लोग जो है वायरलेस चार्जिंग को प्रेफर नहीं करते, वो डाटा केबल के थ्रू ही फोन को चार्ज करना पसंद करते हैं। सो ऐसे केस में अब अगर फोन से चार्जिंग पोर्ट को ही रिमूव कर दिया जाएगा तो मजबूरन लोगों को जो है वायरलेस चार्जर को खरीदना ही पड़ेगा। अगर देखा जाए जब आईफोन ने अपने बॉक्स में से चार्जर को रिमूव किया गया था तब उनका कहना यह था कि वो इन्वायरमेंट को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब जो बातें सामने निकल के आ रही है उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, आईफोन अपने फोन का जो चार्जिंग पोर्ट है वो रिमूव करने वाला था, और अगर आईफोन चार्जर जो है कंटिन्यू देते रहता तो यहाँ पे अगर इस टाइम आने वाले आईफोन में वायरलेस चार्जर को देना काफी मुश्किल हो जाता क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो काफी हाई रहती है। सो ऐसे केस में आईफोन ने अपना चार्जर ही रिमूव कर दिया, सो फोन को जो है चार्जिंग पोर्ट के बगैर लॉन्च किया जाएगा तब लोगों को अपने आप से जो है मैगसेफ चार्जर खरीदने होंगे। तो देखने वाली बात यह होगी जब आईफोन ने अपने बॉक्स में से चार्जर को रिमूव किया था तब उस टाइम काफी सारी कंपनियों ने इस चीज का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में वो सब कंपनियां भी सेम ऐसा ही करने लग गई थी। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि अगर आईफोन अपने फोन से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव कर देता है तो अदर जो कंपनीज है क्या वो भी ये स्टेप को फॉलो करेंगी या नहीं। फोन में से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन, और इसके अपने कुछ फायदे हैं और नुकसान भी। सबसे पहले मैं बात करूं नुकसान की, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का यूज करके हम अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर कर लेते हैं, जो कनेक्टिविटी है वो काफी फास्ट हो जाती है, साथ ही अगर हम यूएसबी में पेनड्राइव में अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहें तो ओटीजी केबल के थ्रू कर सकते हैं, साथ ही फोन में हम जो बूट लोडर अनलॉक करना है वो कर सकते हैं, कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हम चार्जिंग पोर्ट के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर फोन में से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये सारी काम जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। बात करें फोन में से चार्जिंग पोर्ट रिमूव करने के फायदे की, तो यहाँ पे फोन में चार्जिंग पोर्ट रिमूव करने से जो स्पेस बनेगा वहां पे कंपनी जो है नए नए इनोवेशन को अप्लाई कर सकती है, और साथ ही फोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे अगर मान लीजिए फोन में जितने कम पोर्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा फोन वाटर रेजिस्टेंट होगा और डस्ट रेजिस्टेंट भी। लेकिन गाइस, चार्जिंग पोर्ट हटाने के नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, अभी फायदे बहुत कम। तो गाइस, अगर अब यहाँ पे देखा जाए आईफोन में से चार्जिंग पोर्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो इसका डायरेक्ट फायदा कंपनी को होने वाला है, क्योंकि
अगर फोन में चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा तो वायरलेस चार्जर को यूज किया जाएगा और ऐसे केस में वायरलेस चार्जर ज्यादा बिकेंगे। सो वैसे ये आईफोन का ही फंडा नहीं है, ये सभी कंपनी का फंडा रहता है कि कंपनी अपना फायदा ज्यादा देखती है, कस्टमर का कम। सो यहाँ पे भी अब ऐसा ही होने वाला है, कंपनी अपना फायदा ज्यादा देख रही है और कस्टमर्स का फायदा कम। सो अब आप लोगों का क्या सोचना है आईफोन के चार्जिंग पोर्ट को लेकर, क्या ये आईफोन का सही फैसला होने वाला है या गलत, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई और सजेशन है वीडियो को लेकर या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टा और एफबी पे आ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।